36 खरीद के नीचे फेंक भाई, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो गाइज। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है गाइज, क्योंकि मैं सुबह से सोच रही थी, मैं कल से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप सबके बहुत सारे मैसेज, प्यारे प्यारे मैसेज देखकर मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है, मैं अपने फेवरेट इंसान के लिए बना रही हूँ और जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं रिएक्शन वीडियो, और रिएक्शन वीडियो किसके ऊपर होने वाला है वो तो आप समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल से। वो है हमारे एल्विश यादव, जो कि मेरे मोस्ट 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 फेवरेट इंसान है, मोस्ट फेवरेट इंसान है। तो आज हम उन पे रिएक्शन वीडियो करेंगे, और एटीट्यूड रिएक्शन वीडियो होने वाला है ये कि उनके एक प्यारे प्यारे एडिट्स बनाए हैं उनके फैंस ने, जो कि जब वो बिग बॉस में थे। तो अभी हम उन पे रिएक्ट करेंगे साथ में। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो प्लीज़, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन है? छत्तीस खरीद कर नीचे फेंक दूं। भाई यार, मैं कहाँ बोलूँ, मुझे तो इतना पसंद है ना ये यार, मतलब आपको, मतलब मेरे को ना सबसे ज्यादा ना इसकी लैंग्वेज बहुत पसंद है, जो ये जिस तरह से बात करता है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, मतलब इसके बात करने का तरीका। वो कैसे अविनाश बोल रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सच में यार बहुत ट्रिगर करता था ना अविनाश इसको, मतलब इन दोनों की बनती नहीं थी आपस में बिल्कुल भी। जितने भी तुम्हें दिखेंगे मेरे को छपरी कहते हुए कमेंट सेक्शन में, एल्विश छपरी, एल्विश छपरी, एल्विश छपरी, एल्विश छपरी। भाई तुम, मैं ना हजार बार खरीद देगा, हजार बताना मुझे भाई कौन लोग हैं वो जो एल्विश यादव को छपरी बोलते हैं। भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही आज तक, जब से ये बिग बॉस से निकला था ना जीत के, उससे जब वो अंदर था ना सारे इसके सपोर्ट में थे, सब ठीक था ठीक है, जब ये बाहर निकला भाई सारे इसके खिलाफ हो गए, किसी से ना इसकी जीत मतलब हजम नहीं हो रही थी, इतने सारे हेटर्स बन गए। तुम्हें पता है एक कितनी गलत बात है कि तुम एक, वो भी एक इंसान है यार, वो हमें नहीं पता वो उसका नेचर कैसा है कैसा नहीं है, अगर वो अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो भी ठीक है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी है, वो उसके कर्म, अगर वो बुरा करेगा तो उसको मिल जाएगा। लेकिन आप किसी को बुरा बोल के क्यों खुद बुरा बन रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी को बुरा बोलोगे तो उसका उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा ना। और मुझे एक बात सिंपल बताओ भाई, कौन से एंगल से आपको ये छपरी लगता है, और आप इसको क्यों छपरी बोलते हो, और क्या डेफिनेशन है छपरी की भाई, तुम मुझे बता दो। वो इतना सक्सेसफुल बंदा है, उसने कितनी मेहनत की होगी जो कि वो आज यहाँ पर खड़ा है, और तुम लोग जो बोल देते हो ना, एक बात बोल दी बस छपरी छपरी, बस जो एक चल रहा है ना बड़ा कूल बनने के लिए लोग बोल देते हैं छपरी, मतलब क्या उस चीज का, और कैसे डिफाइन कर रहे हो आप एक छपरी को, जरा मुझे बताना। तो इससे अच्छा मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, खुद पे मेहनत करो, खुद के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, सक्सेसफुल बनो, किसी को बुरा बोलने से ना कुछ नहीं होने का। तू अभी आया है तो क्या हो गया? हाँ तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया पिछले 27 दिन में? सही, बिल्कुल सही बोला था भाई इसने। आपको पता मैं बोल रही हूँ, जब एल्विश यादव गया था ना बिग बॉस में भाई, सभी तभी दिख रहे थे, उससे पहले मेरे को कोई नहीं, मतलब कोई दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही कर रहे थे वो बिग बॉस में, ना कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं था। जब ये बंदा गया ना तो भाई इसने सबको दिखाया, इस बंदे को कोई देख भी नहीं रहा था, इसको भी देख रहे थे हम एल्विश यादव की वजह से, और वो उसी को बोल रहा है भाई, तो क्या बंदा है यादव की। जब भी किसी से फाइट होती थी ना मुझे ना इतनी हंसी आती थी, लेकिन आपको पता है एक बात, मेरे को लगता है ना कि अभी जो बिग बॉस आया था ना ओटीटी, जिसमें अरमान मलिक एंड उसकी जो दो वाइफ हैं वो गए थे, तो कटारिया गया था, मैं ये सोच रही थी ना कि मैं, मेरे को ऐसा लगता था ना कि इस सीजन में जाना चाहिए था एल्विश को, और फिर उनके मजे चखाता ना यार, जो उसने विशाल को थप्पड़ मारा था ना बहुत गलत किया था उस इंसान ने, तो मुझे लगता था इस सीजन में जाना चाहिए था, लेकिन कटारिया गया था इस सीजन में। लेकिन यार आपको पता कटारिया मतलब अब अलग अलग होता है नेचर उस इंसान का, शायद वो भी अच्छा होगा, लेकिन मतलब वैसा नहीं है कि वो स्टैंड ले पाए किसी के लिए, ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं था, कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि एल्विश जाना चाहिए था इस सीजन में, फिर मजा आता देखने में। हम एल्विश को आज सम्मानित करना चाहेंगे, एल्विश को शॉल पहना के सम्मानित कीजिए।
देखा था मैंने इसको, भाई इसको शॉल का बहुत क्रेज था ना, हमेशा शॉल लेके रखता था। और आपको पता मतलब ये जो पूजा भट्ट थी उनके साथ इसकी ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग थी, लेकिन मेरे को नहीं अच्छी लगती थी वो बिल्कुल भी। लेकिन मतलब एल्विश यादव की मुझे लगता है उसके साथ ज़्यादा बॉन्ड था अच्छा, तो शॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज था। और आपको पता इस पर बहुत सूट करता है ना शॉल। नहीं तो साबुन डाली है, किसी ने ठीक से धोया नहीं हो, साबुन डाली है ना आपने इसमें। अबे हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता, मजाक से हटके। वाला सीन जब हुआ था ना तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आपको पता यार सच्ची में वैसे हमारे धर्म में ना मतलब आपको पता है एक किसी को पानी पिलाना कितने बड़ी सौभाग्य की बात होती है, मतलब कितना पुण्य का काम होता है। और मतलब समझो ये गेम है चलो ठीक है, लेकिन भाई तुम इंसान तो हो ना, इंसानियत तो मत भूलो। उस लड़की ने भाई इसको पानी में साबुन पिला दिया था, है ना, कितनी गंदी बात है। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पता है इस इंसिडेंट के बाद ना मेरे को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, फिर उसके बाद मेरे को अभी कब मतलब मेरे को वो पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आपको मैं अभी बता दूँ कि कल एक पार्टी हो रही है जिसमें मैं जाने वाली हूँ, तो शायद वो भी गुड़गांव में होने वाली है, तो शायद वहाँ पे आपका फेवरेट पर्सन आ सकता है, बहुत बहुत चांस है आने के। तो कल के वीडियो का इंतज़ार करना। आज मैं बाहर नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे पाँव में दर्द थी आपको पता, वरना आज मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं जा सकती थी एल्विश यादव का मतलब वहाँ पे जा सकती थी जहाँ पे एल्विश यादव आया था, लेकिन मेरे पाँव में बहुत छाले पड़े। मैं अब भी आपको दिखा देती हूँ, आप सोचोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अभी गाइस बहुत मतलब बहुत बारी ऐसा होगा कि मैं एल्विश यादव को कैप्चर करूँगी अपने व्लॉग में आप सबके लिए, आप सबकी डिमांड। तो गाइस अगर आप भी ऐसी रिएक्शन वीडियो और देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके बताओ और कमेंट्स में एल्विश आ दो, स्पैम कर दो। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।